जी नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी अपनी सिमरत कौर राकेश सामने से अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हूँ। ये मेरे देवर डीजी श्री जसवंत संपतराम जी के घर से हैं कमलजीत, और इनका जिनका बहुत उत्सुकता से आप सबको बहुत टाइम से इंतजार था, मेरे हस्बैंड मेरे पति श्री अशोक संपतराम जी। आज हम पूरा परिवार आपके बीच में है। सबसे पहले ये सभा आप सबके हरमन प्यारे नेता और हमारे पिता श्री बाबू संपतराम जी को याद करके, बाबू संपतराम अमर, बाबू संपतराम अमर रहे। आप सब हमारे परिवार से आज से नहीं 1952 से परिचित हैं, जो पुराने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। कोलगांव से बाबा शेर खान जी आज नहीं आ पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो 1952 से बाबू जी के साथ हैं। यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं, लाइन इतनी लंबी है कि मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी जो बाबू जी के बहुत पुराने परिचित हैं। बाबू जी ने जो यहाँ पे काम करवाए और कितने हरमन प्यारे नेता थे कि उनके जाने के इतने साल बाद भी आप लोग उनको नम आंखों से याद करते हो और उनको लगातार याद करते हो। वरना यहाँ नेता एक चुनाव हार जाए तो उसको अगली बार कोई पूछता नहीं है। मेरा परिवार किसी आप लोगों के लिए किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार आपका अपना परिवार है। हम आपके अपने हैं जो आपके दुख सुख में हमेशा खड़े रहे। बाबू जी और आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, आप उनसे डायरेक्ट डील करते थे। और बाबू जी ने जो यहाँ पे विकास कार्य करवाए, जमीनें आवंटित करी, नौकरियां दिलवाई, उन्होंने ऐतिहासिक काम करवाए जिनके लिए आज भी आप सब उनको याद करते हैं। मैं उनकी पुत्रवधू, उनके दूसरे बेटे जो हैं श्री अशोक संपतराम जी, उनके घर से हूं। ये सभा शुरू करते मुझे कुछ एक आज पहलू आप सबको कहने हैं। बार 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 हर जगह पे मेरे को पूछा जाता है कि मेरा परिवार यहाँ क्यों नहीं आता। हमारे विरोधी यहाँ पे दुष्प्रचार करते हैं, मेरे ऊपर अटैक करते हैं, चरित्र पे अटैक करते हैं कि ये अपने पति के साथ नहीं रहती, ये मेरी देवरानी खड़ी है, इसका नाम लाके कहा जाता है कि इसने मेरे ऊपर केस कर रखा है, मेरे अगेंस्ट यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी है। मेरे हस्बैंड के कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं इनको यहाँ पे, हम लोग इनको अक्सर भीड़ में नहीं लेके जाते, हम अवॉइड करते हैं। अब मौका आ गया, हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा परिवार आप सबके बीच में रहेगा, मेरे साथ रहेगा और आप लोगों के बीच में हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। यहाँ मंच पे बैठा कोई नेता नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, सब साधारण लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ हमारे साथी हैं। मैं आप सबकी अपनी हूं, हर एक के परिवार को मैं बिलोंग करती हूं। मेरी आवाज, आप जनता की आवाज मेरी आवाज है। जैसे मुबीन ने आपको बताया कि पिछली दो बार से मेरे साथ लगातार इन लोगों ने धोखा दिया, वादा करके टिकट नहीं दी। सर्वेज में मैं सबसे आगे थी और आवाम की आवाज क्या थी यहां बैठा सारा आवाम जानता है। उसके बावजूद यहाँ पे इन्होंने टिकट गलत हाथों में दी, तो मेरी टिकट किसी पार्टी के हाथ में नहीं है, मेरी टिकट जनता के हाथ में है, अवाम के हाथ में है। ये मेरा आपको वादा ही नहीं, मुझे पता है आप सबका विश्वास है कि मैं हमेशा आम साधारण आदमी के लिए लड़ती रही हूँ, लड़ती रहूंगी।
यहाँ जब भी मेरे को किसी ने आधी रात को भी कभी फोन किया, चाहे वो कोई पुलिस को लेके, चाहे प्रशासन को लेके, या किसी का कोई मेडिकल इशू था, मैंने आधी रात को भी उसका फोन उठा के उसकी समस्या दूर करने का कोशिश करी है। अब हमारे जो मुद्दे कुछ एक आगे आने वाले हैं, जिनके लिए मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो जातिवाद का जहर फैला दिया गया है, मैं उस जातिवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लेती हूँ। ये जमहूरियत है, आम आदमी का राज है, यहाँ आम आदमी राज करेगा। ये मैं आपको वादा दिलाती हूँ कि आपका कोई भी काम, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो पुलिस से हो, आप किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको किसी लाइन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आपके काम तुरंत निपटाना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तीसरी बात, एक महिला होने के नाते जो महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी है वो है पानी की। पूरा इलाका यहाँ पे पानी की समस्या से जूझ रहा है। चंबल के पानी को किशनगढ़ बास तक लेके आना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। महिलाओं की हर गांव में जब मैं जाती हूँ, महिलाएं घेरती हैं पानी के लिए। अब मैं आपको बहुत उसका व्याख्या नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने बहुत ढंग से देखा है, समस्या को अपन काफी हद तक सुलझा सकते हैं। और आप सबने मेरे को देखा है, मैं काम कैसे करवाना है जानती हूँ और मैं करवाती भी हूँ। आपकी पानी की समस्या मैं दूर करूंगी। हमारा युवा समाज बेरोजगारी झेल रहा है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं, इनको कोई मदद करने वाला नहीं।